बालाघाट के मलाजखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसएमएस कंपनी की सुरंग की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूर की मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया। दरअसल मलाजखंड कॉपर माइंस में सुरक्षा के साधन नहीं होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस हादसे में मजदूरों की मौत भी हो रही है। बुधवार को सुरंग की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे, उसी समय हादसा हो गया। घटना के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सूरज ब्रह्मे ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दुर्घटना में मृतक ग्रेबियल हरपाल के परिवार को मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को मलाजखंड कॉपर माइंस में नौकरी देने और घायल मजदूरों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग की है। सूरज ब्रेमेक ने बताया कि मलाजखंड प्रबंधन की लापरवाही के चलते आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिसमें मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि मलाजखंड कॉपर माइन के अंतर्गत एसएमएस कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनमें एक मजदूरों की मौत सुरंग की दीवार गिरने से हो गई है और चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मलाजखंड में मजदूरों की मौत ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अनेकों बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और मजदूरों की मौत होती रही है। और जब जब ऐसी घटना घटती रही है, तब तब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा या आवाज़ उठाते रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन मजदूरों को ना कोई सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उनको कोई सुविधा उपलब्ध कंपनी द्वारा कराया जाता है। इस घटना में जो मजदूरों की मौत हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो इस घटना में घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनको 25-25 लाख रुपए दिया जाए और ये घटना क्यों होती है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि यह घटना प्रबंधन की लापरवाही के ही चलते होती रही है और होती रहेगी। जब तक प्रबंधन के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक ऐसी घटना घटती रहेगी और हमारे क्षेत्र के मजदूर मौत के काल में समाते रहेंगे। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और मृतक परिवार को 50 लाख रुपए और घायलों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को मलाजखंड में सरकारी नौकरी दी जाए। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।